हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कीर्ति और व्लॉग के टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज है कविश का फर्स्ट डे ऑफ प्री स्कूल और हम लोग बस उसको छोड़ने जा रहे हैं। तो काफ़ी नर्वस हैं और आज का व्लॉग ना बहुत क्यूट है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप पूरा व्लॉग देखना एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोना एंजॉय दिस व्लॉग। कविश को हम यहाँ पे दो बार ऑलरेडी इसके एडमिशन की बात करने के लिए लेके आ चुके थे। सो इसको पता था दैट दिस इज़ हिज स्कूल और वो बहुत एक्साइटेड था और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी उस दिन। I am not happy. Kavya, you gonna miss him? Yes. I'm already missing him. Good morning, everyone. आज तो मैं इंट्रो ही नहीं दे पा रही हूँ। आई एम सो इमोशनल टुडे एंड आई एम सो हैप्पी एट द सेम टाइम क्योंकि आज से कविश ने अपना स्कूल स्टार्ट किया है। प्री स्कूल में जा रहा है वो बेसिकली अभी, और अभी हम लोग उसको छोड़ के आए हैं। आप लोगों ने देखा एंड आई वॉज फिलिंग अप अ फॉर्म और डिस्क्लेमर। हम लोगों ने एक्चुअली उन्होंने हमें दिया था बट वी वर वेरी लेजी एंड वी डिडंट फिल अप। तो मैं अब वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने डिमांड किए हैं वो मैं अब फिलअप करूँगी। सो मैं फॉर्म फिल कर रही थी और जो उनकी नैनी थी वो आई एंड शी पिक्ड अप कविश की, ओके यू आर रेडी, लेट्स गो लेट्स गो, एंड शी जस्ट टुक हिम। तो मुझे तो देखने को भी नहीं मिला उसको कि वो बस चला गया उठ के। एंड देन बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन हियर दे आर नॉट इवन अलाउइंग पेरेंट्स इनसाइड द स्कूल एक्चुअली। सो मैंने उनकी बस जो मॉनिटर है उनसे रिक्वेस्ट किया कि इफ आई कैन गो इनसाइड बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू हर। सो शी सेड सॉरी मैडम, वी कांट अलाउ। ठीक है भाई, कांट अलाउ तो कुछ नहीं कर सकते, बट आई एम ऑलरेडी मिसिंग हिम। द मोमेंट ही लेफ्ट एंड आई वाज लाइक ओके ही इज़ गॉन, और बस मुझे जाता हुआ दिखा वो एंड ही वेंट इनसाइड द स्कूल। सो ये था, काव्या इज़ वेरी हैप्पी। द मोमेंट शी सैट इन द कार काव्या बोलती है कि ओ वाओ नाउ आई कैन स्लीप ऑन द कार सीट, यू नो लेट के जा सकती है। सो आई डोंट नो हाउ विल ही बिहेव इन स्कूल। अभी 2:30, अभी 9 o'clock हुआ है, उसका स्कूल जो है 8:30 टू 2:30 है। अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं और मुझे अभी से उसकी याद आ रही है। आई एम मिसिंग हिम सो मच। ब्रेकफास्ट करके गया है वो एंड आई हैव गिवन वॉट एवर द स्कूल हैड आस्क्ड मी टू पुट इन हिज बैग, सो वो सब मैंने रख दिया है। बट आई एम ऑलरेडी मिसिंग हिम अलॉट। 2:30 तक का टाइम पता नहीं कैसे निकलेगा। फर्स्ट टाइम मेरा बब्बा इतनी दूर है मुझसे, लाइक 20 मिनट्स अवे फ्रॉम मी एंड अकेला। अदरवाइज वो गया है मेरे बिना बाहर काव्या के साथ इन बर्थडे पार्टीज प्ले एरियाज में वो रहा है, बट काव्या हमेशा उसके साथ होती है या मैं होती हूँ या कुणाल होते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ही इज़ अलोन। दिस इज़ अ बिग माइलस्टोन एक्चुअली फॉर द किड्स कि यू नो वो अपने आप से चीज़ें शुरू करें करना एंड ऑल ऑफ दैट। और ये जो पीछे मार्क्स हैं ये चॉकलेट के मार्क्स हैं जो कविश ने लगाए हैं, सो यू कैन रॉयली अवॉइड देम। तो ये सीन है आज का, और बस अब मैं उसके पेपर वर्क कम्प्लीट करूँगी। हम लोगों को पिक्चर्स भी लेने हैं और आज शाम को हमको एक बर्थडे पार्टी में भी जाना है। सो आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी है ऑलरेडी, इट हैड स्टार्टेड, देयर इज टू मच गोइंग ऑन टुडे। सो आई विल टेक यू अलॉन्ग। इट इज़ ऑलमोस्ट 11:15 एंड माय हाउस लुक्स सो एम्प्टी। कितना साफ लग रहा है घर।
वेल काव्या अपना असाइनमेंट कर रही है, उसको स्कूल से कुछ असाइनमेंट्स मिले थे एंड ऑल्सो दे हैव अ फ्यू एप्स और वेबसाइट्स जिस पर वो लोग पढ़ते हैं और यू नो दे प्रैक्टिस. सो काव्या वो कर रही है एंड आई हैव ऑलरेडी टेकन अ शावर और अब बेसिकली मुझे कुकिंग करनी है वैसे तो, विच आई विल डू इन अ बिट. बट ऑल्सो कविश के स्कूल से आई गॉट अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप दैट ही इज़ डूइंग फाइन, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट. उसने खाना भी खा लिया अपना. आई एक्चुअली गिव हिम पराठा और चीज़ ब्रेड जो वो खाता है, उसका फेवरेट फूड बेसिकली. एक बनाना रखा था और ओरियो बिस्किट्स रखे थे जस्ट इन केस ही शोज टैंट्रम्स एंड एवरीथिंग. बट मुझे मौका ही नहीं मिला टीचर से कुछ भी बात करने का. जो मेन टीचर है उनकी, वो हमसे मिलेगी नेक्स्ट संडे, बिकॉज संडे या मंडे जो भी वर्किंग डे होगा उन लोगों का, बिकॉज यहाँ पे वर्किंग डेज चेंज हो गए हैं दुबई में, यूएई में. एंड उसके अलावा बस टीचर का ये मैसेज आया था दैट ही इज़ डूइंग फाइन. बट अभी मैं फिर से 12:30 बजे एक बार और अपडेट ले लूँगी उनसे, क्योंकि 12 बजे, क्योंकि 12:30 बजे एक सेशन ख़त्म होता है, उसमें कुछ बच्चे चले जाएंगे, सो उसको भी लगेगा थोड़ा अजीब सा या पता नहीं. हाउ डू दे मैनेज आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, बट अभी तक तो ठीक है एंड आई होप जल्दी से सेटल हो जाए, उसको पसंद आ जाए उसके टीचर और क्लास और उसके फ्रेंड्स. तो अभी सुबह जब हम उसको छोड़ने गए थे तो काफ़ी सारे बच्चे आ रहे थे विद देयर पेरेंट्स और स्कूल बस भी है उन लोगों की. सो कभी जो वापस आएगा वो बस में ही आएगा एंड दे गिव यू अ कॉल वेन एवर दे आर अबाउट टू रीच द बिल्डिंग. सो दैट्स इट, लेट्स वेट फॉर कविश टू कम बैक. माई हार्ट इज सिंकिंग क्योंकि मेरे को बहुत याद आ रही है उसकी. आई वॉज आफ्टर कुनाल्स लाइफ टू पुट हिम इन टू अ नर्सरी, बट नाउ आई एम मिसिंग कुनाल. मुझसे पूछ रहे थे आर यू गोइंग टू क्राई, बट ऑफकोर्स आई एम नॉट गोइंग टू क्राई बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज माइल स्टोन फॉर कविश. And and it's a new start. So मुस्कुरा के शुरुआत करी है हमने. वो भी नहीं रोया, मैं भी नहीं रोई, काव्या भी नहीं रोई. काव्या was happy. Are you happy that he's gone to school? No? No. I thought you're happy. No, I'm missing him. You're missing him? With teary eyes? Aww. Don't cry. Don't cry. Come here. Don't cry. Kavya is now playing outside. She is fine. Thoda sa emotional ho gayi wo. But mostly she is okay. And I am now having my breakfast at 12:30. So breakfast to nahi raha abhi. Brunch ho gaya. एंड बिल्डिंग के बाहर ना कुछ ड्रिलिंग का या कुछ घिसाई का काम चल रहा है एंड इट इज़ सो अनोइंग. पूरा सुबह से लेकर शाम को 4 बजे तक दे कीप ऑन वर्किंग और काफ़ी लाउड है वो, तो इस वजह से मुझे डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज़्यादा. बिकॉज आई एम वॉचिंग एमिली इन पेरिस पैर ऊपर करके. सो अब मैं करूँगी मेरा ब्रेकफास्ट इन्जॉय, ब्रंच enjoy और I am having a cup of coffee आधा, then I have guacamole toast और ये है एक plum. So this is gonna be my brunch. मैं थोड़ा सा अपना portion reduce कर रही हूँ, I am working on it ताकि weight थोड़ा सा कम हो and I wanted that. So that's about it. I will now enjoy my lunch. Bye bye. काव्या चले कविश को लेने, चले पहले कविश तुमको लेने आता तब तुम कविश को लेने जा रही हो. हाँ. चलो आ गया स्लीपिंग. अभी खोलेंगे. ऑफ कोर्स.
में गई थी स्कूल? क्या बनाया सुंदर सा? स्नोमैन। स्नोमैन बनाया? हाँ, कब्स का स्नोमैन। कौन? अरे प्ले हाउस में भी गया। ये रहा लॉलीपॉप का है। वेट, आई विल ओपन इट फॉर यू। क्यों, तुम तो कह रही थी अपने आप खोलोगी। खुल नहीं रहा है। कविश, कविश, लेट मी चेक। अच्छा, एक दिन में अंग्रेज हो गए। कविश, एक्सक्यूज मी, क्या किया तुमने स्कूल में? ये क्या हो रहा है? क्यों नहीं खाया? ये भी नहीं खाया उसने, पराठा। पराठा भी नहीं खाया? तो मुझे बताओ कविश, मजा आया स्कूल? अच्छा था स्कूल? अच्छा था? मैम अच्छी थी? मैम थी? हाँ मैम, मैम थी। क्या? मम्मी साइकिल थी। साइकिल भी थी? पापा के भी साइकिल थी। हाँ वो तो घर पे है। स्कूल में क्या किया? टॉयज थे? हाँ टॉयज थे स्कूल में। अच्छा कविश, तुम प्ले हाउस में गए? हाँ मैं प्ले हाउस में गई। डिड यू? हाँ मैं प्ले हाउस। प्ले हाउस? मैं हाउस हाउस। हाँ कार चलाया? कार चलाया? हाँ कार चलाया। वहाँ पे कार्स भी हैं। वाव, डू यू लाइक योर स्कूल? यस आई लाइक इट। मैं कार से कूल है पर कार का ब्लू। क्या क्या कार का ब्लू स्कूल है? नहीं मेरा वाइट है। बस में आए? हाँ मैं येलो बस में आई। येलो बस में आए? अच्छा। मैम अच्छी थी? आंटी अच्छी थी? हाँ मैम अच्छी थी और आंटी भी अच्छी थी। येलो वाली, येलो वाली आंटी। चला लो पाप खा लो। अच्छी है? अच्छी है। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। ओके happy is back? Yes. Back. कविश, जब मैं घर पे थी तब मैं तुम्हारे लिए रो रही थी। हगी दे दो दीदी को। Say bye bye. Bye bye. Bye bye.